हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज जीपी की आखिरी क्लास है, इसके बाद हम लोग मिसलेनियस के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 को करते हैं, जिसमें बच्चों आपको एक जीपी दी गई है और जीपी में कह रहा है कि फर्स्ट टर्म है 3 और लास्ट टर्म है 81 और उनके बीच में दो और टर्म है, मान लो A1 और A2 है और लास्ट टर्म है 81। लास्ट टर्म क्या है? 81। तो बताइए ये दोनों टर्म क्या होंगे। तो बस बच्चों, अगर फर्स्ट टर्म कितना है 3, लास्ट टर्म, तो बच्चों टोटल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बचे? 4 बचे, ठीक है। और लास्ट टर्म आपका क्या बना? A4 81। नाउ अब मुझे ये बताइए, A4 अगर आपका 81 है, तो A4 का मतलब AR³, 81। A कितना है? 3। R³ 81, 3 से कैंसिल आउट करोगे 27, R³ ये आ जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। तो भाई जब बेस से, वो पावर सेम तो बेस भी सेम, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब आर की वैल्यू 3 आ गई। नाउ तो आपको पता ही है, A1 असल में जो A1 है वो सेकेंड टर्म है, A2 मतलब कि AR, यानी कि AB3 RB3 9, A2 यानी कि A3 है जो असल में, AR का स्क्वायर मतलब ये 3 और ये 3 का स्क्वायर, तो 3 × 9 × 27, तो ये टर्म है, ठीक है। चलिए कीजिए फटाफट। कर लिया नोट आपने? चलो चलिए बच्चों, देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर, देखेंगे 27। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। चलिए देखिए, द गिवन टू नंबर्स आर नंबर्स आर ए एंड बी, ठीक है। एंड जीएम जीएम आपको दे रखा है ए एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। हाँ भाई, दो नंबरों का जीएम क्या होता है? अंडर रूट ए बी। दो नंबरों का जीएम क्या होता है? अंडर रूट ए बी, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करो भाई, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, इसको इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, अंदर मल्टीप्लाई। हाँ जी, अंदर मल्टीप्लाई करोगे बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, एन प्लस 1/2 डॉट बी की पावर 1/2 प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए की पावर 1/2 डॉट बी की पावर एन प्लस में 1/2 बराबर ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन। अब किसी एक को इधर ले जाओ, किसी एक को उधर, मान लो जैसे इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आए, या इसको इधर ले आए उसको उधर, जैसे ये एन प्लस 1/2 डॉट बी की पावर 1/2, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस बी की पावर एन प्लस वन, इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस ए की पावर 1/2 बी की पावर एन प्लस 1/2, ठीक है। इस तरीके से तो क्या करेंगे, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा, इन दोनों बच्चों बी की पावर 1/2 कॉमन आएगा, बी की पावर क्या आएगा कॉमन? 1/2, नहीं बी मत लाओ, इधर लाओ भाई, इधर तुम ये लाओ ए की पावर एन प्लस वन, क्या लाओ? ए की पावर एन प्लस वन, और फिर इसको लेके जाओ उधर, ठीक है, ये इधर ही रहेगा बी की पावर एन प्लस वन, और इसको उठा के इधर ले जाओ ए की पावर 1/2 और बी की पावर एन प्लस 1/2, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई? ए कॉमन आ रहा है। ए में क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक तो एन कॉमन आ रहा है और वन में से आधा कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या? बी की पावर 1/2 माइनस, और क्या बचा? हाँ भाई, ए की पावर कितनी बच गई? हाफ।
इसी तरीके से यहां भी क्या कि b कॉमन आ रहा है, उसकी पावर n कॉमन आ रहा है, एक में से क्या कॉमन आ रहा है, आधा। तो भाई b में से n निकल गया, एक में से आधा निकल गया, बचा आधा माइनस 1/2, क्योंकि ये तो निकल ही गया। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, बच गया a की पावर n प्लस 1/2, b की पावर n प्लस 1/2। ये मल्टी देखो, हर किसी के मल्टीप्लाई में बच्चों 1 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो यहां क्या बच जाएगा, 1। पावर कॉमन ले लो n प्लस 1/2। क्या मैं 1 को a अपॉन b का होल पावर 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम। तो जब बेस सेम है तो पावर भी सेम, 0 प्लस का 1/2 उधर जाके क्या आएगा, माइनस का 1/2। ये आपका आंसर है, ठीक है, करो। चलिए ये नोट हो गया होगा, अगला अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है बता दूं मैं आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ दिस दिस। ठीक है भाई, लेट द टू नंबर्स आर, ए एंड बी, दो नंबर मान लिए ए और बी, दोनों का जो सम है, कह रहा द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ देयर नंबर 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो दोनों नंबर का सम ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम के बराबर है, ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम के बराबर है। ठीक है भाई, तो ये दो नंबरों का सम ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम्स के बराबर है। ठीक है जी, अब देखो इसको मैं बहुत आराम से कैसे कर सकता हूं, क्योंकि इसमें और कोई रूल नहीं लगेगा। ए प्लस बी, इस 6 को आप लिख सकते हैं 3 * में 2√ab। मैंने 3 * 2 क्यों लिखा, क्योंकि 6 को 3 * 2 में तोड़ सकते हैं, तोड़ने को 6 * 1 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 3 * 2 क्यों लिया, क्योंकि जो हमें रेशो प्रूफ करना है उसमें 3 की जरूरत है। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर दो और इनको रूट में अलग कर लो, 3/1। अब देखो दुनिया की कोई भी ताकत इसको कोई भी फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकती, तो एक रूल आता है यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो डो रूल। ठीक है जी, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड कर दो अपॉन ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, और जैसा इधर करोगे वैसे इधर, ऊपर वाले में नीचे वाला प्लस, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस। अब मैं इस ए को अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल, बी को अंडर रूट बी का स्क्वायर, बिल्कुल, 2√ a अंडर रूट बी, अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2√ a अंडर रूट बी, ये कितना हो जाएगा 4, और ये आ गया 2, कट गया 2 और ये 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर
अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 2:1। बच्चों स्क्वायर दोनों का कॉमन ले लो, स्क्वायर दोनों का कॉमन ले लो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर 2/1। दो ये स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बन जाएगा बच्चों, रूट बन जाएगा, स्क्वायर वहां जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर √2/1, क्योंकि √1 कभी 1 होता है। अच्छा यूजिंग, अब इसको दोबारा यूजिंग अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है दोबारा लगाओ क्योंकि अब भी कोई फॉर्मूला इसमें लगता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो बस ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस, सेम हेयर, ऊपर वाले में नीचे वाला प्लस, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस। हाँ जी रूट बी से रूट बी गया, रूट ए 2√a, ठीक है रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस माइनस प्लस रूट बी, √2+1 √2-1। हाँ जी रूट ए से रूट ए गया 2√a, रूट बी 2√b, √2+1 √2-1, 2 से 2 गया, रूट दोनों के ऊपर क्या ले लो कॉमन ले लो, ये रूट बच्चों उधर जाएगा, रूट उधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो ए बटा बी, हाँ जी √2+1 का होल स्क्वायर जब इसके ऊपर बनेगा तो इसके ऊपर भी बनेगा। खोलो जरा इसको, खोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a अपॉन b बराबर √2, रूट से स्क्वायर कट गया 2+1 प्लस 2√2, रूट से स्क्वायर कट गया 2+1 माइनस 2√2, तो a अपॉन b 2 और 1 3 प्लस 2√2 3 माइनस 2√2। क्या यही हमें प्रूफ करना था? तो रेशो फिनिश, रेशो फिनिश, ठीक है चलो नोट करो इसको आप, ठीक है नोट करो और फिर से शुरू है। प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों चलो ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी की तरह सेम एक और क्वेश्चन है कंपोनेंट और डिविडेंडो का, मैं आपको बताता हूं।
चलिए देखो, मिसलेनियस का 19 क्वेश्चन, मिसलेनियस का 19 क्वेश्चन सेम कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला ही है। कह रहा था रेशो ऑफ ए एम एंड जी एम, अर्थमेटिक मीन और जीएम का रेशो, ठीक है, टू पॉजिटिव नंबर ऑफ ए एंड बी इज एम रेशो एन, ठीक है, तो प्रूव करो ए रेशो बी बराबर एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और रेशो एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। द गिवन नंबर्स आर ए एंड बी, ये दिया हुआ है। कह रहा भाई कि जो दिए हुए नंबर हैं वो ए और बी हैं। फिर आगे हमसे कहा गया, क्या कहा गया भाई, कि ए प्लस बी यानी कि ए एम, हाँ ए एम और जी एम का रेशो एम रेशो एन है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है। ये दो नंबर दिए गए ए और बी, और उसी का ए एम उसी का जी एम का रेशो एम रेशो एन है। तो भाई दोनों नंबरों का ए एम क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन टू, जी एम क्या होगा, अंडर रूट ए बी बराबर एम अपॉन में एन। ये टू तो खिसक के नीचे आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन टू अंडर रूट ए अंडर रूट बी बराबर एम रेशो एन। अब आपको पता है कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो ऊपर वाले में नीचे वाला प्लस, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, ऊपर वाले में नीचे वाला प्लस, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस। इसको लिखेंगे अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, टू अंडर रूट ए टू अंडर रूट बी, इसको अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस टू अंडर रूट ए अंडर रूट बी, एम प्लस एन एम माइनस एन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, एम प्लस एन एम माइनस एन, स्क्वायर वहां जाएगा, स्क्वायर का रूट बन जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और यहाँ अंडर रूट एम प्लस एन और अंडर रूट एम माइनस एन, ठीक है। अब अगेन अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो भाई ऊपर वाले में नीचे वाला प्लस, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, ऊपर वाले में नीचे वाला प्लस, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, ठीक है। रूट बी से रूट बी, टू रूट ए जाएगा, रूट ए रूट ए, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी, एम प्लस एन एम माइनस एन, एम प्लस एन एम माइनस एन, रूट ए से रूट ए कट गया, टू रूट ए रूट बी रूट बी, टू रूट बी अंडर रूट एम प्लस एन अंडर रूट एम माइनस एन अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन, दो से दो कट गया, इन दोनों का रूट कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट ए अपॉन बी, तो ये बनेगा अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन, अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन, रूट उधर जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है जी। स्क्वायर से रूट कटा एम प्लस एन, स्क्वायर से रूट कटा एम माइनस एन प्लस टू अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन, सेम
रूट से स्क्वायर कटा एम प्लस एन, स्क्वायर से रूट कटा एम माइनस एन, माइनस टू अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। हाँ भाई, एन से एन कटा, एन से एन कटा, ए अपॉन बी एम प्लस एम टू एम, प्लस टू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम प्लस एम टू एम माइनस टू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, टू कॉमन एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, टू से टू कट गया, हैंस प्रूव्ड। भाई यही रेशो हमें प्रूफ करना था, सही बात है, हैंस प्रूव्ड करो इस तरीके से करना बच्चों। नोट करो इसे वीडियो पॉज करके, फिर मैं अगला क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं आपके आपके लिए। अब मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे इसके बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन करा देता हूं। इसके बाद आप सभी घर से फर्स्ट क्वेश्चन कराने के बाद सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 14 तक सारे क्वेश्चन खुद करके लाएंगे, 2 से लेकर 14 तक, 14 तक। चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिसलेनियस का, 19 भी हो चुका है। पहला है कह रहा, सो दैट द सम ऑफ एम प्लस एन एथ टर्म एंड एम माइनस एन एथ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एम एथ टर्म। तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ए पी का है भाई, तो लेट द फर्स्ट टर्म, तो ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ एम प्लस एनथ टर्म, ठीक है, एंड एम माइनस एन और एम माइनस एनथ टर्म, ठीक है, सो दैट द सम ऑफ एम प्लस एनथ टर्म, सॉरी 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 गलत हो गया, कह रहे हैं कि प्रूफ करो कि एम प्लस एनथ टर्म और का सम एम माइनस एनथ टर्म ट्वाइस ऑफ एमथ टर्म के बराबर है, ये प्रूफ करो। आपसे ये बोला गया भाई, आपसे कह रहा है एम प्लस एनथ टर्म और एम माइनस एनथ टर्म बराबर है ट्वाइस ऑफ एमथ टर्म, ट्वाइस ऑफ एमथ टर्म। ठीक है जी, करके देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो ए प्लस एन माइनस वन की जगह एम प्लस एन माइनस वन डी, और ये क्या आएगा, ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी, यह आ गया ए प्लस ए टू ए, यह आएगा एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी कॉमन। भैया एन से एन कट गया, टू ए प्लस एम प्लस एम टू एम, वन माइनस वन टू वन, टू ए प्लस टू कॉमन एम माइनस वन डी, टू कॉमन अंदर बचेगा ए प्लस एम माइनस वन डी। और बच्चों ए प्लस में एम माइनस वन डी क्या होता है, एमथ टर्म होता है, क्या आ गया बराबर, हाँ जी आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 तक आप सभी बच्चों को करना है, ठीक है, बाकी की क्लासेस बाकी की डिटेल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इनको नोट कर लीजिएगा।